डीजल आ गए हैं अपना, जिसपे फोग लाइट लगेंगी। इनके पास है ना, ये देखो सीट कवर्स भी मिल जाते हैं, पूरे फिटिंग फिनिश के साथ में करते हैं काम। और ये इनका अपना सेटअप है, यहीं पे ये बनाते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक है भाई, इसमें फुल मॉडिफिकेशन हो रहा है, देखो पूरा खुला पड़ा है, प्रॉपर काम हो रहा है भाई। गाड़ी आके यहाँ पे खुलती है और मॉडिफाइड होती है भाई, अंदर पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन चल रहा है, सीट कवर लग रहे हैं और देन ये हो जाएगी पूरी टॉप मॉडल। तो भाई एक हफ्ते में गाड़ी देखो आ जाती है यहाँ पे। मैं भी भाई, मेरे को 10 दिन हुए गाड़ी लिए हुए, और ऊपर देखो रूफ रेल वगैरह सब लगा दिए भाई, टोटल मतलब कोई कह नहीं सकता भाई, साइड से देखेगा या सामने से कि ये गाड़ी जेट 2 है भाई पूरी। तो गाइस नई गाड़ी में पैच वैच लगते ना तो यार बड़ा अजीब सा लगता है, ये करवाना था लेकिन करवाना पड़ेगा भाई। फोग लाइट अगर देखो, बिडिंग निकाल रहे हैं इसकी, ये आराम से ये। तो भाई बेजल निकाल रहे हैं उस्ताद जी अब, और बेजल निकलने के बाद इसके अंदर नई बेजल लगेंगी, ये पुराने वाले निकल जाएंगे जो। तो गाइस अपनी हेडलाइट बाहर आ गई है, देन इसके सारे जो प्लग हैं वो सारे निकल जाएंगे। और इसको गाइस ये देखो, ये रही इसकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बेजिंग, तो भाई ये ओरिजिनल है और ये लगेंगी, और लगाने के बाद देन इसकी लुक जो है वो भाई बदल जाएगी। मेरे पास अवेलेबल होती है भाई सारी गाड़ियों की। और ये स्कॉर्पियो एन की फॉग लाइट है, देख लो भाई यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1 LED का जो हमारी प्राइस है। और यह जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, और भाई ये देखो फुट स्टेप स्पॉइलर वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, टोटल जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं सारे। और कहीं अब इसकी वायरिंग करेंगे, कपलर टू कपलर होगी ये, जिससे कि अपनी जो वारंटी है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वो भाई 150 वाट है, देखो यहाँ पे चेक करो, ये लिखा 150 वाट, और 9/2023 की भाई मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन चाइना। पता नहीं कितना आपको दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा। तो भाई ये कपलर टू कपलर होते हैं, देख लो, ये देख लो 150 वाट की LED लग गई है, अब इस पर फिटिंग का काम चल रहा है। भाई ये वायरिंग निकाल रहे हैं यहाँ से पीछे से, और वायरिंग के बाहर आ जाएगी 150-300 या फिर खाली ओनली 150, 75-75। तो भाई ये वही कन्फ्यूजन थी, 75-75 की है। अच्छा चलो देखेंगे, वो तो पता चल जाएगा चलाने के बाद। ये है इसका अपना लो बीम, जो हम लो बीम नॉर्मली चलाते हैं सिटीज के अंदर। तो भाई ऐसा थ्रू आ रहा है LED लगवाने के बाद में, जो 150 वाट की LED लगवाई है ना, तो उसका थ्रू इस तरीके का थ्रू आ रहा है। अब देखो मैं हाई बीम करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो भाई आज आ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी के अपना जो काम कराने के लिए, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक्सेसरीज के लिए। तो एक्सेसरीज पार्ट में मैं सबसे पहले करा रहा हूँ उसमें अपना जो गाड़ी के फॉग लैंप्स है वो चेंज करा रहा हूँ, और भाई LED सेटअप डलवा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, और भी बहुत सारे काम करा रहा हूँ। सारे काम आपको इसके अंदर पता चलेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी के अंदर करा रहा हूँ। तो भाई मैं आया हूँ बड़े यूट्यूब पे फेमस, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं चामुंडा भाई और जे ऑटो पे भाई। तो कैसे हो भैया आप? तो भाई के पास आ गया हूँ बेस्ट रिकमेंडेशन पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी भाई वीडियो देखी हैं, और मैंने काफ़ी काम पहले भी करवाया भाई के पास में, तो अच्छा काम करते हैं। और इनका एक करोल बाग में भी है, वहाँ पे मैंने करवाया था पहले, यहाँ पे भाई पहली बार आया हूँ मैं आपके पास में। तो गाइस भाई मिलेंगे, भाई कह रहे ये स्पेशल लेना स्कॉर्पियो का, जितना भी है मतलब स्कॉर्पियो एन क्लासिक और जो भी मॉडल है स्कॉर्पियो का वो यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे सारा काम स्कॉर्पियो से रिलेटेड होगा। तो भाई मैं करवा रहा हूँ पहले अपना इसमें LED का काम करवा रहा हूँ, और फॉग लाइट्स जो है वो भी करवा रहा हूँ, कि मेरी है Z4 4x4, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मॉडिफिकेशन करानी है। तो मैं भाई रिकमेंड करता हूँ जे ऑटो को, तो मैं भी यहीं पर ही आया हूँ, और अब देखते हैं क्या क्या प्राइस लगता है। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा इस ब्लॉग के अंदर, पूरा वीडियो को देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा एक एक चीज़ प्राइस के साथ आपको डिस्क्राइब करूँगा, और कैसे कैसे फिटिंग होगी सारी चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। सो भाई देखो बेजल आ गई है अपनी, और अपनी जो LED है वो भी आ जाएंगी। तो भाई अब इस पर काम करवाना शुरू करते हैं, और ये देखो इसकी रिले जिसपे अपना ये लगेगी वायरिंग वगैरह जो भी है। और गाइस इनके पास है ना, ये देखो सीट कवर्स भी मिल जाते हैं, पूरे फिटिंग फिनिश के साथ में करते हैं काम। और ये इनका अपना सेटअप है, यहीं पे ये बनाते हैं और ये अपना स्टिचिंग वगैरह सब करते हैं भाई। तो गाइस मैं भी अपनी गाड़ी में काम कराना शुरू कर रहा हूँ, और अपनी गाड़ी लगी हुई है बाहर, पहले उसको अंदर लेके आएंगे, देन उसके बाद उसका टोटल काम शुरू करेंगे उसके ऊपर। तो भाई चल रहे हैं, देखते हैं कौन सी गाड़ी पे कितना काम होता है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप सारी महिंद्रा की गाड़ियाँ खुली पड़ी हैं। ये देखो एक ये महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक है भाई, इसमें फुल मॉडिफिकेशन हो रहा है, देखो पूरा खुला पड़ा है, प्रॉपर काम हो रहा है भाई। ये भाई साहब की गाड़ी है, भाई साहब अपना काम कर रहे हैं। कहाँ से है भाई आप? मैं MC भाई रोहतक जिला से। बताओ भाई रोहतक से आए हैं भाई, कितने दूर दूर से बंदे आते हैं, क्योंकि भाई काम बोलता है, क्यों भैया काम बढ़िया करते हैं, तो इसलिए भाई बंदे बहुत बहुत दूर से आते हैं, पैसे भी जायज लेते हैं भाई। बिल्कुल अब पैसे भी जायज लेते हैं भाई बोल रहे हैं। तो मैं आपको सारा चीजें बताऊंगा क्या क्या काम होना है, उसमें मेरे ख्याल से पूरी मॉडिफिकेशन करा रहे हो भाई। इसके अंदर कौन सा मॉडल है ये? भाई मेरा 2020 मॉडल है। बेस मॉडल है ये? बेस मॉडल है भाई, और बिल्कुल नो मालिक, कोई बाहर का बंदा नहीं कह सकता, बिल्कुल ही टॉप मॉडल कर दी भाइयों ने, और कम पैसों में बिल्कुल।
भाई कह रहे हैं एकदम टॉप मॉडल बना दिए गाड़ी और बना भी देते हैं भाई। देखो पूरी खोली पड़ी है, अंदर पूरा काम वायरिंग से लेकर के पूरा हार्डवेयर तक का सारा सॉफ्टवेयर अपडेट सब होता है भाई। सो गाइज ये खड़ी है अपनी Z4 और भाई ये अपना मॉडिफिकेशन के लिए रेडी कर रहे हैं, गाड़ी को लेके जाएंगे अंदर स्टॉक यार्ड में अपना और वहाँ पे इसको इस पर काम होगा। भाई चमुंडा भाई बैठ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, इसको अंदर लेंगे और देन इस पर काम शुरू करेंगे भाई हम। सो गाइज इसमें क्या है ना, सामने फॉग लाइट नहीं आती क्योंकि Z4 मॉडल है और इसमें जो है पूरा का पूरा ये हाइलोजन बल्ब के साथ आती है, तो इसमें मैं इसके LED कराने की सोच रहा हूँ। बताऊँगा आपको क्या बजट बनता है कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और सामने अपना फॉग लाइट वगैरह चेंज कराता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है फॉग लाइट, क्योंकि अभी ना गाड़ी ब्लाइंड लग रही है और जब इसके ऊपर फॉग लाइट लग जाएंगी ना तो इसकी आंखें लग जाएंगी और ज़्यादा इसका लुक जो है इनहेंस हो जाएगा भाई, तो ब्लैक बीस्ट में मज़ा आने वाला है भाई। सो गाइज इसको अभी अंदर लेके आएंगे, अब देखो कैसी लग रही है अपनी गाड़ी और जब लाइट लग जाएगी देन जो फॉग लाइट लग जाएगी उसके बाद देन कैसा लुक आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडिकेटर भी भाई हाइलोजन है, सोचते हैं देखते हैं इसके बारे में भी कुछ हो सकता है तो इसको भी कराएंगे। तो भाई देखो नई नई गाड़ियाँ आके यहाँ पर खुलती हैं और मॉडिफाइड होती हैं भाई, इनका ना लुक ही चेंज हो जाता है। और देखो मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ जो मेरे सामने खड़ी है, ये है भाई Z2, कोई कह देगा भाई Z2 है मॉडल, देख लो भाई पूरे स्किड प्लेट वगैरह चेंज कर दी है पीछे से, यहाँ पे इन्होंने भाई क्रोम का बिडिंग लगा दी है और ऊपर देखो रूफ रेल सेट हो गई है पूरी टॉप मॉडल वाली और नीचे भाई देखो ये फुट स्टेप लग गया है और भाई ये देखो ऑटो फोल्डेबल लगने वाले भाई, ये ऑटो फोल्डेबल होंगे जो सेंटर के साथ में। और ये देखो भाई अंदर पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन चल रहा है, सीट कवर लग रहे हैं और देन ये हो जाएगी पूरी टॉप मॉडल। और भाई अभी ये है ना गाड़ी डिलीवर हुई है और डिलीवर होते ही इसको ले आए हैं भाई यहाँ पर, और ये फॉग लैंप लग गई हैं और ये देख लो भाई LED सेटअप लगा दिया भाई ने, भाई टॉप मॉडल बना दिया आपने तो, मज़ा नहीं आ रहा। ये भाई ओनर है तो भाई आपने मतलब पहले ही सोचा था कि क्या नाम है इसको गाड़ी को लेने के बाद सीधा यहाँ लेके आओगे? बिल्कुल, ये नाम ही नाम है J-Auto। J-Auto नाम है भाई, सही बात है। तो आपने वीडियो देखी होगी YouTube पे है भाई? बिल्कुल YouTube पे देखी, कई जगह से रिकमेंडेशन भी आएगी J-Auto जाओ स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि ये स्कॉर्पियो और महिंद्रा का ही काम करते हैं ना, इसलिए परफेक्ट बनने हैं कि उसके लिए। तो भाई ये आप अभी डिलीवरी आज ही लेके आ रहे हो या कैसे? नहीं नहीं, हमने डिलीवरी ली थी पिछले संडे। तो भाई एक हफ्ते में गाड़ी देखो आ जाती है यहाँ पे, और मैं भी भाई मेरे को 10 दिन हुए गाड़ी लिए हुए, तो मैं भी 12वां दिन है आज और मैं अपनी गाड़ी को लेके आ गया हूँ। तो भाई मेरे को भी ये फॉग लैंप चेंज कराने हैं, इसके फॉग लैंप लग जाएंगे ना तो और ज़्यादा इनहेंस होता है लुक इसका। और भाई ने देखो पूरा स्किड प्लेट वगैरह ये भी चेंज कराई भाई इसमें आई है, ये देखो स्किड प्लेट चेंज करा दी है नीचे, और भाई ये पूरा जो ग्रिल भी चेंज करा दी है, इसमें आती है पियानो वाली ग्रिल आती है भाई, पियानो ब्लैक होती है वो वाली ग्रिल भी इन्होंने पूरा क्रोम में फिट करा दिया है टोटल सारा। और ये देखो भाई पूरा यहाँ पे है ना इसके टर्न इंडिकेटर नहीं आते, ये वाले भी इसको चेंज कर दिया इन्होंने, RBM जो है इसके, और ऊपर देखो रूफ रेल वगैरह सब लगा दिया भाई टोटल, मतलब कोई कह नहीं सकता भाई साइड से देखेगा या सामने से कि ये गाड़ी Z2 है भाई, पूरी ZTL बना दी भाई ने तो बिल्कुल ही। बस अंदर से थोड़ा स्टीरियो का थोड़ा सा मतलब है जो चेंज नहीं हुआ और सब चेंज हो गया, और कुछ स्टार्ट बटन नहीं है और सारी चीज़ें हो गई भाई। जितना मॉडिफिकेशन J-Auto करता है ना भाई इतना मॉडिफिकेशन मुझे लगता है कोई कर रहा होगा, क्योंकि तो सारा पार्ट इनके पास जेन्युइन और बढ़िया पार्ट है इनके पास, तो इसलिए भाई सभी लोग इनके पास आते हैं। और देखो स्टॉक देख लो भाई, टायर का स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास और सारी चीज़ें फुल एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी। तो भाई आप सेटिस्फाइड हो काम करा के? हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, फुल सेटिस्फाइड। चलो फुल फ्लो में काम हुआ है सारा, स्पीड एकदम फर्स्ट क्लास थी, सर्विस फर्स्ट क्लास है, कोई शिकायत नहीं। और प्राइस भी रीजनेबल बना है, मिलेगा। तो भाई ये देख लो क्या लुक आ रहा है। अब चलते हैं भाई अपनी गाड़ी पे, क्या क्या काम हो रहा है वो दिखाते हैं। ये काम तो भाई चलता रहेगा यहाँ पे पूरा, देखो बिडिंग लग रही है, ये पूरी क्रोम की बिडिंग है भाई, और ये वाली बिडिंग जो है कहते हैं भाई चिपकती है ये, क्योंकि क्या है ना इसका भी पूरा ग्लास पैनल ही चेंज होगा, बट ये है ना ऊपर से चिपकाते पर लगे पता नहीं लगेगा कि आपको चिपकी हुई है, ये ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई। तो भाई पीछे से लुक चेक कर लो गाड़ी का, ये भाई की गाड़ी है, भाई ओनर है, ज़बरदस्त भाई। देखो पीछे ना ये वॉशर फ्लूड भी लगा दिया है भाई, और ये क्या नाम है इसका स्पॉइलर भी लगाया इन्होंने, और भाई ये पीछे की लाइट भी मेरे ख्याल से चेंज हुई है, ये अच्छा स्टॉक है भाई, ये स्टॉक है। और भाई अलॉय व्हील भी देखो पूरे कंपनी वाले लग गए हैं, 17 इंच के अलॉय लगा दिए भाई ने, और जो टायर है भाई वो तो कंपनी वाले स्टॉक होंगे, हाँ टायर स्टॉक है, बस अलॉय चेंज कराया भाई ने, ये भी पूरा जेन्युइन है भाई, तो गजब गजब लुक आ रही है भाई। ये देखो पूरा हार्ड टच जो भी था इसको सबको सॉफ्ट टच कर देंगे यहाँ पर, और ये जिसके बटन वगैरह सब ये सब हाइड्रो डिप करा दिए, ज़बरदस्त है भाई, कुछ भी करवा लो A-Z काम होता है यहाँ पे, आपको आ जाओ वहाँ बंद करके, कोई भी गाड़ी ले आओ, बेस मॉडल उठा लाओ और टॉप मॉडल ले जाओ घर।
सबसे बढ़िया चीज़ है। अब भाई हमारे ना गाड़ी पे काम हो रहा है, अब मैं अपनी गाड़ी को दिखाता हूँ। और ये देखो बम्पर खोल रहे हैं भाई, सारे जितने भी पैच खोलोगे भाई सारे लगाना है दोबारा। तो भाई देख लो जितने नेट खोलेंगे उतने नेट लगाएंगे। काम होगा पूरा कर दूंगा, पूरे को कम नहीं करूंगा। बस बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस नई गाड़ी में ऐसे पैच वैच लगते ना तो यार बड़ा अजीब सा लगता है, ये करवाना था लेकिन करवाना पड़ेगा भाई, फॉग लाइट लगवानी है इसलिए। तो ये अपना बम्पर खुल रहा है भाई देख लो, और ये बम्पर खुलने के बाद में देन इसके बाद इसमें फॉग लाइट लगेंगी। भाई बिना बम्पर खुले नहीं लग सकती, कह रहे बिना बम्पर खुले नहीं लगेगी। कोई नहीं भाई कर लो भाई तुम भी अपने मन की। तो गाइस ये देखो इसकी क्लाइडिंग खोल दी है इन्होंने, इस साइड से क्लाइडिंग निकल गई है और देन इसके बाद यहाँ पे भाई पैंच होते हैं सारे खुलते हैं। तो सर ये प्लास्टिक के पैंच हैं वैसे वाले हैं? लोहे के हैं। तो भाई देखो यहाँ सारे पैंच जितने होते हैं सारे खोलने पड़ते हैं तब जाके बोनट उतरता है। तो भाई थोड़ा सा दर्द तो होता है नई गाड़ी पे स्क्रू लगवा मतलब स्क्रू ड्राइवर लगवाने से, पर क्या करें भाई कराना पड़ेगा क्योंकि फॉग लाइट जरूरी है गाड़ी के अंदर, तभी इसके अंदर ना लुक बन के आएगी। क्यों उस्ताद जी? तो उस्ताद जी खोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो इनका एक्सपीरियंस है भाई पुराने उस्ताद हैं तो भाई एक्सपीरियंस तो हो गई। तो भाई मैं भी इनसे ही काम करवाता हूँ जब भी करवाता हूँ, ताकि जो है ना अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर देखो बिडिंग निकाल रहे हैं इसकी, ये आराम से ये बम्पर के अंदर ही बहुत पेंच हो गए इसमें, 50-60 पेंच तो होते ही होंगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही पेंच हैं क्योंकि अभी तक तो खोल रहे हैं तो 10-15 तो अभी भी निकल गए, 15-20 निकल गए, भाई ने भी निकाले हैं आपने भी निकाले हैं। वही देखो अंदर के खुल रहे हैं अब ये बेजल, तो अंदर तो कोई नक्का नहीं होता ना उस्ताद जी? नहीं, बस ऊपर ही ऊपर सारे कसे होते हैं। तो भाई बेजल निकाल रहे हैं उस्ताद जी अब, और बेजल निकलने के बाद इसके अंदर नई बेजल लगेंगी, ये पुराने वाले निकल जाएंगे जो इनके डमी हैं, उसके बाद इस पर फॉग लाइट लगाएंगे। तो मैं आपको सारी प्राइसिंग, तो मैं भाई फॉग लाइट की जो ब्रांडिंग है वो सारी चीज़ें मैं आपको चेक कराऊंगा कि कौन सी ब्रांड की लगा रहे हैं। और जेन्युइन महिंद्रा की लगेगी भाई इसके अंदर, कोई भी मतलब लोकल नहीं लगा रहे हम, जेन्युइन महिंद्रा लगेगा और उसकी प्राइसिंग वगैरह सब चेक कराऊंगा। और ये देखो भाई ये निकला है इसके अंदर से, इतना भारी पार्ट होता है भाई, ये देख लो ये स्टॉक है, ये स्टॉक होता है, पर इसका कोई मतलब नहीं होता भाई, इसके ऊपर ना तो लग सकती है ना कुछ होता है। तो गाइस जब ये खुलने के बाद ही ऐसे लग पाती है, देख लो स्टॉक है ये पूरा। बम्पर जो लग खुलता है ना इसमें बड़ा दर्द होता है आदमियों की यार, ये ना हो। तो गाइस देख लो ज़बरदस्त दूसरी बेजल निकाल दी आराम से भाई, खट खट की आवाज़ आती है ना तो दिल पे छुरियाँ चल जाती हैं कि भाई कट कट। अंकल यहाँ से कुछ खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं अंकल? हेडलाइट खोल रहे हैं। हेडलाइट खोल रहे हो? हेडलाइट खोल रही है भाई, और उसके अंदर फिर एलईडी लगेंगी, तो उसके लिए ना अपना हेडलाइट को खोल के निकाल के बाहर करेंगे, देन उसके अंदर एलईडी लगाएंगे भाई। तो एलईडी लगवा रहा हूँ, एलईडी इसलिए लगवा रहा हूँ भाई क्योंकि क्या है ना इसका थ्रो कम है, उसका थ्रो ज़्यादा है, 150 वाट की ना, तो 150 वाट की एलईडी लगेगी, तो उसके बाद भाई इसका थ्रो बढ़ जाएगा काफ़ी, मज़ा आ जाएगा एकदम, दिन निकल जाएगा भाई। अभी अभी तो है ना थोड़ा कम कम सा रहता है, उजाला कम है, तो वो चाहिए भाई हाईवे पे ना, थोड़ा लंबा चाहिए। तो भाई अपनी हेडलाइट बाहर आ गई है, देन इसके सारे जो प्लग हैं वो सारे निकल जाएंगे और इसके अंदर एलईडी लगा देंगे भाई हम लोग। ये देखो बाहर आ गई भाई, दिखाना अंकल वो देखो भाई, ये देखो भाई ये इतनी बड़ी लाइट होती है, पूरी बाहर निकाल दी इन्होंने, हाँ लाइट ही बाहर निकाल दी। तो भाई अंकल जी फिट कर रहे हैं इसको, और क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई ये देखो दूसरे मालिक साहब, एक मालिक साहब से मिला दिया, दूसरे मालिक साहब ये हैं, अब इनसे ही मिल लो। भाई टोका पीटी होती है तो डर लगता है उसमें कुछ। यहाँ पे होता है ये हॉर्न, इसके हॉर्न है ना यहाँ लगाए होते हैं भाई स्कॉर्पियन का, जो जाम से भों भों आ जाती है, ये दो हॉर्न है इसके अंदर। तो भाई जितने बोल्ट खोले थे उस्ताद जी उतना सारे लगा दे रहे हैं, और पूरा काम भाई सेटिस्फेक्शन के साथ हो रहा है, तसल्ली के साथ, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं हो रही, करोल बाग वाला काम नहीं है।
तो गाइज ये हैं अपनी जो फॉग लैंप इस पे लगेंगी, ये महिंद्रा की जेनुअन है, जेनुअन बताते हैं। तो भाई कहाँ पे पता चलता है अंकल की जेनुअन है, कहाँ लिखा होता है? तो महिंद्रा लिखा हुआ ना इस पे, महिंद्रा लिखा हुआ है, ये रहा नहीं महिंद्रा लिखा, ये रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा हुआ है भाई, ये खाता हूँ पकड़ना अंकल। तो गाइज ये देखो, ये रही इसकी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बेजिंग। तो भाई ये ओरिजिनल है और ये लगेंगी, इसके बाद इसका थ्रो बढ़ जाएगा। लो अंकल जी पकड़ो, लगाओ इसको, शुरू करो। और ये देखो भाई महिंद्रा का जेनुअन बॉक्स, ये जेनुअन बॉक्स है और जेनुअन देख लो भाई, ये पूरा प्रॉपर जेनुअन है। और इसके भाई देखो ये भाई लगा रहे हैं अंकल, और लगाने के बाद देन इसकी लुक जो है वो भाई बदल जाएगी। तो भाई ये सारी जितनी भी देख रहे हो आप, ये पूरा स्टॉक है इनका फॉग लाइट्स का, जितनी फॉग लाइट है सब इनके पास अवेलेबल होती है भाई सारी गाड़ियों की। और ये स्कॉर्पियो एन की फॉग लाइट है, देख लो भाई यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक एलईडी का जो एमआरपी प्राइस है 6,695 रुपये एमआरपी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो पार्ट का नाम भी लिखा हुआ है, फ्रंट फॉग DRL लैंप्स, ये पूरा लिखा हुआ है भाई, लेफ्ट राइट जो भी है प्रॉपर है। एक डब्बे में एक आती है, दो डब्बे दो होती हैं, दो डब्बे में, तो भाई ये प्रॉपर इसका इनके पास है। और यहाँ जेनुअन स्पेयर पार्ट्स, और भाई ये देखो फुट स्टेप स्पॉइलर वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको, टोटल जेनुअन पार्ट्स मिलते हैं सारे। और भाई इस पर हम अपना भी काम करवा रहे हैं, देखो ये महिंद्रा का बम्पर खुला हुआ है, वो ये देख लो भाई कितना पार्ट्स है भाई, बहुत माल भरा हुआ है भाई के यहाँ पे, ये सारा लाइट्स वगैरह जितने भी स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, अपना स्टीरियो वगैरह सब मिलेगा A to Z। और इधर भाई काम चल रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है इसमें, पूरा पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। इसको भी है डोर पैनल हो रहा है, स्पीकर हो रहा है, काम। कितना टाइम हो गया भाई आए हुए आपको यहाँ पे गाड़ी को लिए हुए? दो घंटे भाई, दो घंटे में सारे खोल दी भाई, जबरदस्त काम हो रहा है दो घंटे में, देख लो क्या क्या काम कर दिया यहाँ पे, गाड़ी खोल के बांध दी दो घंटे में। और हमारी भाई लाइट लग गई है, देखो एक लाइट लग गई है, जबरदस्त लुक आ रही है। देखो अब इसकी वायरिंग का टाइम आ गया है, लाइट तो लग गई है, अब इसकी वायरिंग करेंगे, कपलर टू कपलर होगी ये, जिससे कि अपनी जो वारंटी है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो वारंटी पूरी बनी रहेगी। और जो कपलर है कपलर इसको जोड़ देंगे ये लोग, और इसकी जो फंक्शनिंग करेंगे ना हम लोग, जो इसको ऑन ऑफ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ से होगी, ये जो अपना ये जो स्विच है ना इनसे फंक्शन करेंगे ये लोग कह रहे हैं, इसी से इसको अपना ऑन करेंगे, इसी से ऑफ करेंगे इसको। तो भाई ये बढ़िया चीज़ है, जो कंपनी में काम होता है ना सेम वही वाला काम होगा भाई। तो अभी ये देखो अपना इसकी जो वो लगा रहे हैं, और इसको जो पावर सप्लाई मिलेगी वो बैटरी से मिलने वाली है भाई। तो ये फाइनल हो जाए देन आपको दिखाता हूँ भाई इसका प्रॉपर लुक कैसा आने वाला है। तो अंकल अपना वायरिंग डाल रहे हैं, ये देखो वायरिंग। तो अंकल ये वायरिंग भी महिंद्रा की होती है जेनुअन? महिंद्रा की जेनुअन होती है भाई ये वायरिंग भी, ये फॉग लाइट के साथ ही आती होगी? हाँ जी। अच्छा तो इसमें रिले भी लगती है अंकल? रिले वगैरह सब भाई जो है पूरी जेनुअन, और रिले वो ऊपर रखी है भाई, वो जेनुअन काम होता है पूरा, स्पेयर पार्ट जो भी है पूरा महिंद्रा के ही मिलेंगे भाई, जो महिंद्रा जिस वेंडर से खरीदता है वहीं से ये लोग भी खरीदते हैं भाई, महिंद्रा तो खुद नहीं बनाता, महिंद्रा ही वेंडर से खरीदता है, और ये भी भाई वेंडर से खरीदते हैं। क्यों अंकल? बिल्कुल जी, महिंद्रा थोड़ी बना रहा है घर पे, महिंद्रा भी खरीद ही रहा है किसी ना किसी से। सो गाइस अब हमारे गाड़ी में मड फ्लैप लग रहे हैं, ये भाई बहुत ज़रूरी है, ना सारा का सारा गंदा ना ऊपर आ जाता है जब गाड़ी चलती है ना। तो भाई ये एक ही साइज़ के होते हैं या इसमें ऊपर नीचे साइज भी होता है? साइज स्टैंडर्ड होता है या बड़े छोटे भी होते हैं? साइज एक ही साइज, एक ही साइज होता है। तो गाइस ये जो होते हैं अपना स्टैंडर्ड साइज ही रहता है, हम सोचते हैं कि थोड़ा बढ़ा लें, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड साइज के आते हैं जो कंपनी से बन के आते हैं वही होता है भाई। अब इसमें अपने एलईडी की जगह पे एलईडी फिट कर रहे हैं, अब इसमें से हाइलोजन बल्ब निकालेंगे और ये वाली एलईडी लगेगी इसमें। तो ये कौन सी कंपनी की है, कौन सी कंपनी की है? अल्ट्रा यूडियो करके है भाई, 150 वाट है, देखो यहाँ पे चेक करो, ये लिखा 150 वाट, और 9/2023 की भाई मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, जबरदस्त। और भाई इसमें जो पहले जो निकले हैं ना ये निकले हैं फिलिप्स के भाई, ये चाइना के हैं, ये भी देखो लिखा हुआ चाइना, हाँ मेड इन चाइना, पता नहीं कितना आपको दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा, मेड इन चाइना है भाई ये, और ये हाइलोजन बल्ब हैं। अब इनमें ये LED प्रोजेक्टर LED है ये अंकल, प्रोजेक्टर LED है भाई ये लगेगी, और थ्रो देखते हैं भाई कैसा आएगा इसके बाद इसका। अंकल इसके पीछे फैन होता है क्या ये? इसका क्या काम होता है फैन का? इसका भाई ये
सेम है। इसका कपड़ा हटा दिया ना मैंने। अच्छा, ये लगा दिया। तो भाई अब ये लगा रहे हैं अंकल, इधर फिट कर देंगे। तो भाई ये कपलर टू कपलर होते हैं, देख लो, जो पुराने वाले प्लग हैं उन्हीं को इसमें प्लग को कर दिया इन, जो अंकल वही है ना, ये प्लग इन हो गया, कोई वायरिंग नहीं कट रही और कुछ नहीं हो रहा, जो पहले की वायरिंग है उसी में इसको ऐड कर दिया। और भाई इधर भाई मड फ्लैप भी लगा दिए। तो भाई काम हो गया अपना, और एक घंटे का था टाइम बोला था भाई, एक घंटा ही लगेगा, थोड़ी सी चोट भी लग गई, स्क्रैच आ गया भाई। ये देख लो 150 वाट की LED लग गई है, अब इस पर फिटिंग का काम चल रहा है। फाइनल फिटिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसका मतलब लुक आएगा, कैसा थ्रो होगा, वो थ्रो भी एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा अभी। पहले अंकल इसको पूरा नट वगैरह थोड़ा टाइट कर रहे हैं, जितने भी खोले थे सारे टाइट करेंगे। तो भाई अब काफ़ी तेज़ हो गई है लाइट, पहले से तो आंखों पर लग रही है। और भाई देखते हैं, और पीछे भाई मड फ्लैप का काम देखो भाई, पूरा चल रहा है पीछे से। और भाई ने पीछे के मड फ्लैप उधर लग गए भाई, तो भाई जहाँ पे नट है भाई वहीं लगाना, ठीक है ना। हाँ, तो भाई जहाँ नट है वहीं लगा रहे हैं। तो इसके पुराने नट खोल के कहाँ फेंक दिए? पुराने नहीं आते। अच्छा ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ पे ये वाला फिट हो गया अपना मड फ्लैप, ये देख रहो अब लुक आ रही है भाई, पीछे से थोड़ी सही लग रही है गाड़ी। और भाई इधर सारे नट खुले पड़े हैं, ये सब लगेंगे, फैन दिखाऊंगा पूरा हो जाएगा ना, फैन उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका लुक कैसा आएगा। तो भाई वीडियो में पूरे बने रहो, और पूरा प्राइस बताऊंगा एक एक की, किसका कितना प्राइस पड़ा है मेरे को, LED का, फोग लैंप का, इन सब का पूरा प्राइस, मड फ्लैप का सारा एक एक प्राइस आपको चेक कराऊंगा। एप्लीकेशन कराता नहीं होगी मेरे को ना, नई गाड़ी में काम करवाना है, बड़ा दिल पे ना दर्द सा होता है, बट लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ फोग लाइट। और अंकल जी का एक्सपीरियंस कम से कम, नहीं तो अंकल कितने 30 साल का तो एक्सपीरियंस होगा? 37 साल का एक्सपीरियंस है भाई, तो मैं इस काम को करवा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। तो भाई एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप कैसे बंदे से काम करवा रहे हो, और जो बंदा आपकी गाड़ी में काम कर रहा है वो उसका बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि गाड़ी भाई नई गाड़ी में काम करना ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुरानी तो आप कैसे भी करवा लो पर नई गाड़ी में भाई डर लगता है। तो भाई एक्सपीरियंस बंदे के साथ मैंने काम करवा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई मेरे दिल पे ना इस समय धक धक हो रही है कि पूरी गाड़ी खुली पड़ी है यार, मेरा दिल नहीं चाहता कि नई गाड़ी हो, मैं कोई मतलब स्क्रू ड्राइवर लगवाऊँ या मतलब हल्का सा भी कुछ खुलवाऊँ यार, लेकिन कराना पड़ रहा है, क्योंकि भाई इसमें ना ये फोग लाइट्स आती नहीं है यार, महिंद्रा को ये देनी चाहिए, जो 4x4 मॉडल है ये, क्योंकि एक प्रीमियम मॉडल कहलाता है, क्यों भाई, तो 4x4 में तो कम से कम DRL ने और ये फोग लैंप इनको देनी चाहिए, और Z6 में भी नहीं दे रहे यार ये, तो ये देखो ना 6 में नहीं दे रहे, तो इनको ना, तो भाई Z4 से शुरू कर दो, Z6 में भी दो, तो ये चीज़ें नहीं दे रहे ये लोग, गलत चीज़ है यार। और एक लाइट देखो मेरी यहाँ रखी है, अब ये सारी लग जाएंगी, एक लाइट लग गई है देखो यहाँ पे। और भाई इसमें ना नीचे की जो ये DRL देख लो, ये DRL जलेगी, और ये इंडिकेटर है DRL, दोनों साथ में है देख लो भाई। अभी ये वाली जो तार है ना, ये हमारे कैबिन में जाएगी, और जो हमारे कैबिन में जा करके इसको ना कनेक्ट करेंगे, जो अपना लीवर है जहाँ से फोग लाइट ऑन होती है ना, तो वहीं से ऑन ऑफ होगी, यानी कि यहाँ से आपको केवल सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, और जो ऑन ऑफ जो होगी वो मेन ये फोग लाइट का जो स्विच है इसी से होगी भाई। तो ज़बरदस्त है भाई, ये तो अपना जेन्युइन काम हो जाएगा भाई, थोड़ी लाइट कम है क्योंकि यार मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है इस वजह से। और भाई बोनट कसा जा रहा है, जितने बोल्ट खोले थे सारे बोल्ट लगाएंगे अब ये दोबारा से देखो। तो भाई अब सारे लगा रहे हैं, जितने नक्के अंकल ने खोले थे सारे लगा देंगे अब, और देखते हैं फिर क्या होता है भाई फाइनल। तो भाई ये वायरिंग निकाल रहे हैं यहाँ से पीछे से, और वायरिंग फिर बाहर आ जाएगी, यहाँ से जगह होती है और उसको खींच के लाएंगे, फिर इधर देख लेंगे बाद में, यहाँ पर भाई लगाएंगे इसको, देन यहाँ पे भाई इसका कनेक्शन कर देंगे इस वाले से। सो गाइस देखो अब यहीं से इन्होंने फंक्शनिंग कर दी है, जो फंक्शनिंग है यहीं से होगी, और यहीं से ऑन होगी, यहीं से ऑफ होगी, देख रहे हो आप। और ये देखो थ्रो हो गया भाई, हाई बीम लो बीम टोटल, जो DRL है ना अपनी जो फोग लाइन पे, वो यहीं से देखो भाई, ये अंदर छोड़ने में ये जो है ना भाई, ये देखो स्विच है मेन, यहीं से होती है, यहीं से ऑफ होगी, यहीं से ऑन होगी, जैसे टॉप मॉडल में होती है ना सेम वही वाली है। तो भाई देखो मैंने ऑन कर दिया, दिखाता हूँ आपको फ्रंट से, ये देखो भाई ऑन हो रखी है, और ये देख लो पूरा DRL जल रही है, और फॉग लाइट भी जल रही है, ये DRL है। हाँ भाई ये फॉग लाइट है, मैंने बता दिया, ये वाला जो मोटा सा दिख रहा है, और ये ऊपर की जो है ये DRL है, जिसके पीछे बैजल है जो पूरा चेंज होता है पियानो ब्लैक का भाई, ये देख लो सोनू भाई बोल रहे हैं बैजल पूरा चेंज होता है।
ये हेडलाइट है अपनी, इसमें देखो एलईडी लगी है दो से, इसमें पार्किंग बल्ब। सुन भाई एक बात बताओ, इसमें जो ये एलईडी जैसे 150 वाट की है तो 150, 300 या फिर खाली ओनली 150, 75? तो भाई ये वही कंफ्यूजन थी, 75 की है, 75 वाट, 150 वाट एक तरफ और 150 वाट एक तरफ, भाई सही है। वैसे एक सेट में 75-150, 150 वाट आता है, ये दो सेट एलईडी डली है आपकी। हाँ तो दो सेट एलईडी डली है भाई हमारी 150 वाट की, ये कहना चाह रहे ना भाई आप? दो सेट एलईडी 150 वाट की है भाई, देख लो कैसे जो कार्य गाड़ी की, मतलब ये मान के चलो भाई गाड़ी की आंखें लग गई, पहले ब्लाइंड ब्लाइंड सी लग रही थी भाई, खर्चा तो भाई पर गाड़ी एकदम जम गई भाई, देख लो DRL जबरदस्त लग रही है अब, और अंदर से भाई फंक्शनिंग हो गई है, सबसे बेस्ट चीज़ है भाई यहीं से फंक्शनिंग है। अब देखो मैं इसको बंद कर दूंगा फोग लाइट को, DRL फिर भी जल रही होंगी, देखो फोग लाइट बंद हो गई, DRL जल रही है, ये देखो। और सोनू भाई अंदर से ना बंद करेंगे, देखो पूरी बंद हो गई भाई, अब ये देखो DRL ऑन होंगी, जब गाड़ी ऑन करेंगे ना इग्निशन ऑन होगा, तो ये देखो फोग लाइट ऑन हो गई, और अभी भाई गाड़ी स्टार्ट होगी, देखो ये भाई हो गई अपना DRL ऑन हो गई, और अपना ऊपर की पूरी लाइटें जल गई हैं, तो भाई LED है और LED प्रोजेक्टर में लगवा दिया भाई, प्रोजेक्टर नहीं है LED सेटअप है ये पूरा 150 वाट का, और ज़बरदस्त थ्रो है भाई इसका, और आपको मेन थ्रो तो मैं आपको जब रोड पे चलूंगा तब दिखाऊंगा, कि यहाँ पे तो भाई देखो कितना थ्रो आ रहा है, यहाँ तक दूर तक थ्रो दे रही है भाई, थ्रो चेक करो लाइट जलने के बाद कितना थ्रो है, पर यहाँ पे लाइटें वगैरह इतना थ्रो पता नहीं चलेगा, अभी जब रोड पे चलूंगा ना तब दिखाऊंगा आपको इसका मेन थ्रो कितना आएगा, हाँ तब पता चलेगा भाई कितना इसका थ्रो है, पहले से तो काफी है। तो अंधेरे में तो काफी अच्छा थ्रो आया होगा, हम लोग भाई ट्रिप वगैरह करते रहते हैं ना, तो इस वजह से अपने को भाई मेन चाहिए कि लाइट का थ्रो सही मिल जाए, तो भाई काम जेन्युइन हो गया है तरीके से, और जितने भाई नक्के निकाले थे भाई सारे एकदम जेन्युइन तरीके से फिट हो गए, फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं आई, जबरदस्त हो गया भाई, तो ये लुक आ रहा है गाड़ी का, और भाई अपनी गाड़ी में काम हुआ है, मड फ्लैप वगैरह ये सारा काम हुआ है। तो सोनू भाई अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, ठीक है, अब प्राइस बताओ मेरे को। दो तरह का है, जैसे जो हमने कॉम्बिनेशन के साथ करा उसके साथ कंप्लीट 17,000 रुपये का, एक आता है वायरिंग का 14,500 रुपये का, तो उसमें अलग अलग चीज होती है, जो चीज में आप आओगे तो मैं समझा दूंगा क्या फर्क रहता है। तो भाई 3,000 रुपये जो है ना वो फंक्शनिंग के मान लो आप, आपके सामने होगी जब भी आप समझ आओगे, लोग कह देंगे हम कर देंगे बुला लेंगे, मगर नहीं पता चल पाएगा आपको जब तक आप यहाँ पे समझोगे ना भाई क्या चीज हो रही है, जब तक नहीं पता चलेगा। तो भाई आपसे कह देंगे भाई हम कर देंगे आपको कॉम्बिनेशन में, बुला लेंगे, पर आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या चीज कराई है, क्या चीज कराई है, तो यहीं पर आगे पता चलेगा कि सर क्या सिस्टम में क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो भाई चामुंडा भाई मिलेंगे और अपना सोनू भाई आई, जबरदस्त काम होता है भाई यहाँ पर, आओ कोई भी गाड़ी ले आओ, स्कॉर्पियो महिंद्रा की, महिंद्रा की स्कॉर्पियो SUV 700 स्कॉर्पियो का काम, मैन स्कॉर्पियो का, कितने क्लासिक खड़ी है देख लो। तो सोनू भाई बड़े बिजी हैं अब जा रहे हैं सोनू भाई। अच्छा भाई तो भाई इसका प्राइस मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा, वैसे इसका 14,000 रुपये प्राइस है LED का, जो दोनों LED डली है हमारी 150 वाट की, और भाई 17,000 इसका प्राइस है, और मड फ्लैप का 700 रुपये कुछ प्राइस लगा है। तो भाई मतलब ठीक है, और शोरूम में ये 18,000 की लग रही थी मेरे को, और वहाँ पे उनके पास अवेलेबल भी नहीं थी, मैं तो वहीं से लगवाता बट लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें मैंने यहीं से रिकमेंड करी कि भाई यहाँ से लगवा लेते हैं, जल्दी हो गया काम, बेस्ट है भाई। एक घंटा लगा मेरे को, 6 बजे आया था मैं, और तकरीबन अभी 7:30 बजे 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटे भाई सारा काम हो गया अपना फिनिश, और अब चलते हैं भाई गाड़ी को लेके अपना घर। तो ये अपनी गाड़ी कैसी लग रही है आपको, मॉडिफिकेशन कमेंट करके जरूर बताना भाई, और प्राइस लिस्ट मैंने आपको बता दी, जो कि LED जो ऊपर डले हैं ये 14,000 रुपये में, और नीचे का हमारा जो फंक्शनिंग लाइट हुई है इसके पूरा करने के बाद में 17,000 रुपये पड़े भाई, और अपना मड फ्लैप है 700 रुपये के करीब मड फ्लैप पड़े हैं इसके चारों। तो ये चीज़ें अभी भाई इसमें और बहुत सारी मॉडिफिकेशन कराऊंगा मैं, तो ब्लॉग में बने रहो, और भाई वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी अच्छी अच्छी ब्लॉग आपको आते रहेंगे। और अगर आपको भी आना है तो ये भाई पड़ता है रामा रोड मोतीनगर वाला, जो मोतीनगर से पास में पड़ेगा, रामा रोड पे पड़ेगा ये अपना जय ऑटो। आ गया फाइनल टाइम बिलिंग का, तो बिलिंग करवाते हैं भाई से, और उसके बाद सारा काम हो गया। तो भाई एक बार बता दो क्या क्या चार्ज है, एक बार बता दो बंदों को हमारे। सर फॉग लाइट तो 14,000 14,500 में भी लग रहा है। हाँ अगर आप जेन्युइन तरीके से लगवाते हैं फॉग लाइट ओरिजिनल बेजल के साथ, इसकी वायरिंग के साथ तरीके से लगवाते हैं, उससे 17,000 में खर्चा आता है, ठीक है, ऊपर टॉप मॉडल की विद GST बिल के साथ वारंटी के साथ, ठीक है भाई। अगर आप बिल नहीं लेते हैं वारंटी नहीं मिलेगा आपको, 14,500 मिल जाता है। अच्छा GST बिल भी लेना होगा वारंटी के लिए, ठीक है। हेडलाइट की LED आप लोग की गाड़ी में सबसे टॉप लगा है। अच्छा 14,000 रुपए का लगा है। कौन सी ब्रांड का है सर? अल्ट्रा ऑडियो का भी आता है इसके अंदर, MRX का भी आता है, कई आता है, अजूम का आता है। तो अजूम का नहीं लगाया आपने? नहीं, अजूम में हमें
दिक्कत आ रहा है, टूट नहीं है। अच्छा चलो देखेंगे, वो तो पता चल जाएगा चलाने के बाद, और बाकी जो भी डिस्काउंट होगा वो देख लेंगे। तो भाई डिस्काउंट तो भाई करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई इनसे हम जबरदस्ती पकड़ के करवा लेंगे, पर लेकिन बढ़िया काम होता है, जेन्युइन काम होता है। आप भी रिकमेंडेड है, आ जाओ करवा लो आंख बंद करके, अगर आप नहीं भी रहोगे ना तो भी भाई वही काम होगा जो आपकी आंखों के सामने होगा काम। तो भाई बेस्ट रिकमेंडेड काम करते हैं। और ये है कि भाई इनकी लेगेसी है कि भाई ये ना वो कोई भी तार छीलते नहीं है, काटते नहीं है, टोटली प्लग जो है कपलर टू कपलर काम होता है। तो भाई ये तो ठीक है भाई, बढ़िया चीज लगी मेरे को देखने में भी, अपने अपनी गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं। चामुंडा भाई, सोनू भाई, बाय बाय, मिलते हैं आपको फिर दोबारा, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू भाई। ओके तो भाई चल रहे हैं अब, अपना काम हो गया कंप्लीट, और टाइम लगा भाई 2 घंटे लग गए, और उसके बाद अपना काम जेन्युइन तरीके से हो गया। तो भाई चल रहे हैं अब अपना घर, और उसके बाद फाइनल चलेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आते हैं दोबारा से। ये है इसका अपना लो बीम, जो हम लो बीम नॉर्मली चलाते हैं सिटीज के अंदर। तो भाई ऐसा थ्रू आ रहा है एलईडी लगवाने के बाद में, जो 150 वाट की एलईडी लगवाई है ना, तो उसका थ्रू इस तरीके का थ्रू आ रहा है। अब देखो मैं हाई बीम करता हूँ, ये देखो भाई पूरे रोड पे जगमगा गया भाई, जबरदस्त फील आ रही है भाई। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वाले ब्लॉग के अंदर।